नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हां, आपके कॉपी मूल्यांकन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और ये खबर सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जी हां, आपके कॉपी का क्या स्थिति है, आपकी कॉपी का मूल्यांकन कैसा चल रहा है और दोस्तों क्या आपका रिजल्ट समय पर आ पाएगा, तो सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे न्यूज में साफ साफ दिया हुआ है, बिहार बोर्ड इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन की तिथि बढ़ी। जी हाँ, क्या बिहार बोर्ड रिजल्ट में होगी देरी, तो दोस्तों सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाला हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके साथ इंसाफ होगा और होता ही रहेगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार बोर्ड के इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तकाओं का मूल्यांकन 14 मार्च 2020 तक किया जाएगा। बिहार बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने इससे संबंधित सूचना सभी मूल्यांकन केंद्रों पर भेज दी है। पहले यह मूल्यांकन 26 फरवरी 2020 से 9 मार्च 2020 तक समाप्त हो जाना था, परंतु अभी कई परीक्षा केंद्रों पर सभी उत्तर पुस्तकाओं का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। इस कारणों से कई मूल्यांकन केंद्रों ने बोर्ड से मूल्यांकन की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा नियंत्रक ने इन केंद्रों पर जहां सभी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया है उनके लिए यह तिथि 14 मार्च तक बढ़ा दी है। जी हां, 14 मार्च तक बढ़ा दी गई है। लेकिन अब सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, जी हां, कि क्या हमारा रिजल्ट समय पर आ पाएगा, तो दोस्तों जरा ठहरिए, आपको मैं ये भी जानकारी दे देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया है कि समिति मार्च और अप्रैल में बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने का लक्ष्य रखा है। समिति द्वारा हाईस्कूल और इंटर परीक्षाओं का रिजल्ट समय पर ही जारी किया जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आपका रिजल्ट समय पर ही आएगा।